Welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं द पवेलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड इट्स आवर कवरेज ऑफ द एचबीएल पीएसएल सीजन 9 एंड द न्यूज आउट ऑफ लाहौर इज दैट कराची के अगेंस्ट पेशावर जलमी. इससे पहले कि इस मैच के बारे में बात करें, इन द पवेलियन विद मी आई हैव गॉट थ्री फैंटास्टिक क्रिकेटिंग माइंड्स. आई हैव गॉट अजहर अली, मिसबाह उल हक एंड मोहम्मद हफीज. आप तीनों को खुशामदीद. वसीम अकरम विल नॉट बी जॉइनिंग अस फॉर अ फ्यू डेज, ही इज ट्रैवलिंग फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज आउटसाइड ऑफ द कंट्री. राइट जनाब, सबसे पहले आइए नजर डालते हैं जरा मैच समरी के ऊपर. इस तरह थी सूरत हाल कि आज टॉस जीत कर पेशावर जलमी ने पहले उनको बैटिंग दी गई. कराची किंग्स ने टॉस जीता था, उस वक्त हमने बड़ा सवालिया निशान लगाया था शान मसूद की डिसीजन का, बट दिस इज हाउ इट वेंट डाउन. पेशावर जलमी बैटेड फर्स्ट 154 19.5 ओवर्स के अंदर. बाबर आजम की एक शानदार इनिंग्स, 72 रन बनाए उन्होंने 51 बॉल्स के ऊपर. पावल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद 39. आसिफ अली ने 23 रन एंड हमजा 3 for 28. हसन अली ने 3 विकेट ली, 30 रन देके. सैम्स 2 for 28 एंड देन शुएब मलिक, who I think was the impact player today for Karachi Kings. He picked up that one very crucial wicket of Saim Ayub right on top of the first innings with the very first ball. Ek wicket, 3 runs pe. Karachi Kings ne jawab mein, it was the platinum pick of the Karachi Kings. Pollard with that 49 of 21 deliveries and that explosive over that he played against Salam Khail. Vince 38, Malik 29. Again, ye ek badi important partnership thi Vince aur Malik ki, jisne ki set up kiya Karachi Kings ke liye is win ko. Akhlaq there contributing very well with his 24 of the 13 deliveries. Wood 2 for 20 and Wakar there 1 for 54. Karachi Kings winning this one by 7 wickets. A very happy camp. Congratulations to Salman Iqbal and the entire ARY family. And with that, let's take a look at the points table. Points table ki surat-e-haal aapke samne lekar aate hain. Ye rahi points table ki surat-e-haal. Standings now. Look at that. Karachi Kings right from the bottom of the table come to the middle of the table. Karachi Kings now stand at number 4. Multan Sultans number 1. Gladiators 2, United 3, Kings 4, Qalandars 5, and Peshawar Zalmi now with 2 games, 2 defeats, and a very negative net run rate standing at the bottom of the table. Yaad rahe ki top ki 4 teams playoffs ke liye qualify karengi. Ye hai surat hal aapke points table ke upar. And let's get right to it. Mizbah ul Haq, a big win for Karachi Kings. Platinum pick paying off. Bilkul. आई थिंक राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो हमने बात की पिछले मैच में कि प्लेइंग 11 की समझ नहीं आ रही थी, दे मेड इट राइट. 2 चेंजेस की जो कि बहुत ज़रूरी थी उनके लिए बैलेंस टीम का ठीक करने के लिए. एंड देन दे वन द टॉस, डिड द राइट डिसीजन और बॉलिंग ने उनके लिए सेटअप किया बड़ा ज़बरदस्त. पहली बॉल पे शुएब मलिक ने विकेट ली. जब अब ऐसी आपको स्टार्ट मिलता है और जो हम बात भी कर रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त मैचअप है अगेंस्ट बाबर भी और अगेंस्ट सैम अयूब शुएब मलिक का, दैट पेड ऑफ. एंड देन अमीर हमजा, आई मीन बार बार ये बात होती है कि फर्स्ट 6 ओवर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक विकेट इफ यू वांट टू विन अ T20 गेम. इम्पैक्ट आपको डालना पड़ेगा और वो जो इम्पैक्ट डाला है इनिशियली, दे कुड नॉट रिकवर फ्रॉम दैट. पेशावर जलमी उससे बाद में निकलने की कोशिश उन्हें की है बट उस तरीके से नहीं निकल सके. और हैरानी की बात है, मैं बार बार कहता हूँ कि छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल्स जो है वो मैटर करती हैं. इफ़ एन ऑफ स्पिनर इज़ बॉलिंग, वाई यू आर अलाउंग अ लेफ्ट हैंडर टू जस्ट फेस हिम? बाबर को खुद फेस करना चाहिए था. कई दफ़ा ये छोटी सी जो गलती होती है, छोटा सा इनिशिएटिव होता है, आपका मेन प्लेयर था उसको 1-2 बॉल मिल जाते, वो इतनी बड़ी आपको विकेट कॉस्ट कर गया. तो ये जो चीज़ें और फिर इसी तरह बाद में भी इस किस्म की मिस्टेक्स हुई. ओवरऑल वेरी वेल डन, गुड कैप्टनसी बाय शान मसूद, टीम बड़ी ज़बरदस्त पिक की एंड लॉट ऑफ मिस्टेक्स फ्रॉम पेशावर जलमी. यस, अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स फ्रॉम पेशावर जलमी बट कराची किंग्स ने फाइनली गेटिंग देयर कॉम्बिनेशन राइट एंड इट्स लुकिंग नाउ ऑल ऑफ अ सडन. देखें 1-2 चेंजेस से कितना बड़ा फर्क लगना शुरू हो जाता है. अजहर नहीं बिल्कुल, हम पहले मैच में भी हम थोड़ा परेशान हुए कि यार किस तरीके से प्लेइंग 11, ऑब्वियसली ऑन द ग्राउंड कई रियलिटीज़ होती हैं आपको नहीं पता होता. ऑब्वियसली वसीम भाई भी ये बात करते थे, फर्स्ट गेम है, ऑब्वियसली लर्न करेंगे इससे और बहुत ज़बरदस्त पिछली डिफीट से उन्होंने सीखा और जो आज कम्बिनेशन खिलाया. आज आप देखें 8 नंबर तक इनकी बैटिंग थी, डैनियल सैम्स 8 नंबर पर आ रहे थे तो एक कॉन्फिडेंस. और आई थिंक ईशान ने भी बात की कि जो आपका जब आपके पास बैट्समैन होते हैं तो फिर आप फ्रीडम देते हैं अपने इंपैक्ट प्लेयर्स को लाइक पोलार्ड,
आज इस तरीके उसको पता है पीछे बैटिंग है और कितना रिलैक्स हो गया उसने आते ही अटैक किया और जो इन्होंने इनिंग्स खेली इन दी एंड बिल्कुल ही गेम को फिनिश कर दिया। तो आई थिंक बॉलिंग फर्स्ट मिसबाह बनी का डिसीजन बहुत अच्छा लिया, लेकिन डिसीजन अच्छा लेने के साथ साथ जब तक आप परफॉर्म नहीं करते आगे अप्लाई नहीं करते उस तरीके से अपने आप को तो फिर डिसीजन का फ़ायदा नहीं होता। तो आई थिंक डिसीजन के साथ साथ आई थिंक एप्लीकेशन Right. और जो एक्यूरेसी थी बॉलर्स की और जो प्लान से शान के जो जिस तरह उसने फील्ड सेट की आई थिंक दैट वाज आउटस्टैंडिंग। हफीज काफ़ी करीब चल रहा था मैच लेकिन फिर एक ओवर ने जो है पूरा पासा ही पलट दिया खेल का एंड पोलार्ड ने जो वो ओवर खेला है। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ, अभी मैचअप्स की बात कर रहे थे मिसबाह के, आपको पता होना चाहिए ऑफ स्पिन बॉलर है, खब्बे को एक्सपोज ना करें, आप खुद उसको फेस करें, या फिर यह कि मैचअप कोच मैनेजमेंट को पता होता है कि कौन सा मैचअप है, किस बॉलर को कहाँ पर किस बैट्समैन के अगेंस्ट डालना है। बट क्या यहाँ पर नोइंग द फैक्ट कि अभी अभी दोनों पोलार्ड भी और वकार सलाम खेल जो हैं ये दोनों अभी ITT20 से आए और दोनों एक ही टीम में खेल रहे थे, गोया इसका मतलब ये हुआ कि पोलार्ड ने वकार को बहुत दफ़ा नेट्स में प्ले किया होगा, ही मस्ट बी फेमिलियर विद हिज टैक्टिक्स, ही मस्ट बी फेमिलियर विद द वे ही बॉल्स, शुडंट देयर हैव बीन ए डिफरेंट अप्रोच, स्पेशली जब आपने देख लिया था कि पिछले ओवर में एक बाउंड्री लग चुकी छक्का मारा। वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन पहले तो मैं बाबर को मुबारकबाद देना चाहूँगा, उसके 10,000 रन्स हुए, फैंटेस्टिक फीट एज एन इंडिविजुअल, बहुत ही ज़्यादा कामयाब T20 प्लेयर हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि इसी तरह खेलें और मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करें। मैच के ऊपर जो आपने बात की, देखें मेरा अपना ख्याल है कि वो टेक्टिकली ठीक था कि सलाम खेल ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि पोलार्ड का जो अगर आप ओवरऑल कैरियर देखें, उन्होंने बुरी बॉलिंग की उनको, लेकिन जब उनको लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जब बॉल करता है तो ही इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल फेसिंग हिम, आइडिया वॉज राइट बट ही कुडंट बॉल वेल। लेकिन पोलार्ड ऑन अ डे जब वो खेलते हैं तो वो पूरा मैच साइड पे कर देते हैं। ओवरऑल नॉट अ गुड डे फॉर अ जलमी, क्योंकि जो बात की मिसबाह ने टेक्टिकली कुछ एरर्स उनके नजर आए, टीम कंपोजिशन मुझे अभी भी लगता है कि उनको देखना है। टेक्टिकल एरर्स नाउ लेट्स स्टार्ट विद हाउ मेनी लेट्स देखें, वो जो पहली बात की है कि जब आप ऑफ स्पिनर बॉल करने लगे तो अगर आप राइट हैंडर को आगे फर्स्ट बॉल के लिए फेस करवाते हैं तो वो प्रेशर डालता है ऑफ स्पिनर के ऊपर। अच्छा, लेकिन वो एक टेक्टिकली जो मुझे लगता है कि एड्रेस नहीं हुआ, इसको जरा एड्रेस कर लेते हैं। एक चीज बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि क्या ये तय नहीं हो जाता कि कौन सा बैट्समैन किस एंड से बैटिंग करने लगा है तो बॉलर आ रहा है, नहीं, तो आप चेंज कर सकते चेंज कर आप सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है पहले बॉलर गेम के लिए आता है और उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो दो बैट्समैन क्रीज पे मौजूद हैं वो देखते हैं पहला बॉल कौन करने लगा है या पहला ओवर कौन कर रहा है एंड दे कैन डिसाइड टू स्विच एंड्स एट द लास्ट मिनट। दैट डिडंट हैपन, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टैक्टिक। फिर उसके बाद देखें हारिस नंबर 3 पे खेलते हुए, देर इज़ ऑलवेज अ टाइम जो आप अपने आप को दे सकते हो, आप अपने आप को रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के साथ थोड़ा गेट इन करते हैं, पिच को यूज़ करते हैं, कंडीशन में सेटल होते हैं, फिर उसको आप खेलें अपनी मर्जी से, लेकिन गिव योर सेल्फ अ लिटिल बिट टाइम। दोनों इनिंग्सों में देखा कि ही कुडंट डू दैट। पॉवल और जो बाबर थे वो बहुत अच्छा मोमेंटम लेके चल रहे थे, वी वर थिंकिंग कि अगर ये 170 प्लस इस ट्रैक के ऊपर करते हैं तो दे कैन चैलेंज। लेकिन हुआ ये कि एक बैड मिस्टेक के बाद फिर आसिफ अली ने भी वही गलती की कि टेक्टिकली ही शुड प्ले अ लिटिल बिट लॉन्गर इनिंग्स। यस यू स्कोरिंग सम रन्स, लेकिन जब आप 8 ओवर की बारी आपको मिली है तो अगर आप 8 ओवर खेलेंगे तो यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस। लेकिन वहाँ पे बाबर वाज द ओनली वॉरियर एट द मोमेंट फॉर देम कि वो अकेला किसी जगह पर खड़ा था कि कोई मुझे सपोर्ट करे, जो कि उसको नहीं मिली। एंड ऑफ द डे कुडंट गेट एनफ गुड रन्स। हसन अली और हमजा की अगर बॉलिंग की मैं बात करूँ, बहुत शानदार राइट प्लान के ऊपर बॉलिंग की। फिर जब हम बॉलिंग में आते हैं तो दे वर बॉलिंग वेरी वेल, लेकिन जो सलाम खेल का जो आखिरी ओवर की बात कर रहा है मिसबाह, अगर उसने पहली एक बॉल पे छक्का मारा था तो कप्तान सोच सकता है कि मैं यहाँ पे उसको अभी ना करवाऊँ, उसको ये वाला जो ओवर है इसके बाद भी करवाया जा सकता है इंतज़ार करके, कि हो सकता है पोलार्ड फास्ट बॉलर से आउट हो जाए। तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्टिकली एज ए कैप्टन या एज ए टीम मैनेजमेंट, अगर आप समटाइम टीम मैनेजमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ऑन द स्पॉट T20 में कैप्टन ने डिसीजन लेने होते हैं। राइट तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक तो रन ऑन द बोर्ड कम थे, लेकिन एक फील आ रही थी कि शायद दे कैन मेक इट, लेकिन वहाँ पे उस ओवर ने पूरा मैच जो है ख़त्म करवा दिया। क्लियरली यू कैन सी द बॉडी लैंग्वेज ऑफ केविन पोलार्ड जब वो आए हैं, ही वाज इचिंग टू जस्ट फेस सलाम खैर। पहले बॉल भी ऐसे आए हैं, वरना वो रिलेक्टेंट होते हैं, जब भी कोई रिस्ट स्पिनर बॉलिंग कर रहा हो तो रिलेक्टेंट होते हैं कि इसका ओवर निकल जाए तो मैं आऊँ। तो वो शो कर रहा था जो हम टीवी पे भी देख के अंदाजा लगा सकते थे कि भाई वो, और दूसरी के पहली बॉल भी छक्का मार दिया तो इसका मतलब है आपने ये बॉलर नहीं देना उसको अगले ओवर में। राइट राइट जो रोमन पावल की जो विकेट थी, आई थिंक जो शॉट थी
यू नो 108 रन बन गए हुए थे, 13th ओवर अभी इन प्रोग्रेस था। आई थिंक वो बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गए थे 3 विकेटें गिरने के बावजूद। बहुत कम टीमें हैं, रिकवरी अच्छी होगी रिकवरी, और यू नो जो रिकॉर्ड है आई थिंक जलमी का वो 20% विन रेशियो है जब वो 3 विकेटें अर्ली गवा देते हैं पावर प्ले में। तो आई थिंक वो उसके बाद जो रिकवरी थी, आई थिंक यू कैन यू विल टेक 108 for 3 इन 13 ओवर ऑन अ पिच लाइक दिस, क्योंकि ये वो वाला पहले वाला लाहौर का पिच नहीं था। आज थोड़ा सा रिवर्स होने के भी चांसेस थे और स्पिनर को भी हेल्प कर रहा था। तो आई थिंक कि वहाँ पर वो शॉर्ट सिलेक्शन, आप पहले जब आपके निकल के सामने छिके लग रहे हैं तो फिर आपको ये शॉट मारने की जरूरत है, क्योंकि नवाज एक आधा बॉल ही टर्न हो रहा था, कोई ज़्यादा बिग टर्नर तो है ही नहीं। आई थिंक अगर तो यार बहुत स्क्वेयर टर्न हो रहा हो तो आपका ये शॉट बनता है कि आप रिवर्स स्वीप ऊपर पॉइंट के मारें, लेकिन आपके जब सामने इतने पावरफुल माशाल्लाह डोले शोले भी काफी चंगे ने, तो फिर यूज करो ना उन्हें। ऑल राइट, विद दैट वी गोना टेक अ ब्रेक हियर ऑन द पवेलियन, बट व्हेन वी कम बैक वी आर क्लोजर टू द एक्शन ऑफ द सेकंड गेम ऑफ द डे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द पवेलियन, मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द एचपीएल पीएसएल सीजन 9। और लाहौर से खबर ये है कि कराची किंग्स अपना मैच जीत गए हैं आज अगेंस्ट पेशावर जलमी। नाउ पेशावर जलमी हैज 2 games 2 defeats एंड राइट एट द बॉटम ऑफ द टेबल। कंग्रेचुलेशंस टू किंग्स एज दे कम टू द मिडल ऑफ द टेबल। एंड विद दैट लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर यू नेक्स्ट। अगला मैच आपकी खिदमत में हम लेकर आ रहे हैं, ये है मैच मुल्तान से बराए रास्त, मैच नंबर 7, मुल्तान सुल्तान वर्सेज लाहौर कलंदर्स। 7 बजे ये मैच बाकायदगी से शुरू होगा और अच्छा मैच होगा, चूंकि लाहौर कलंदर्स बहुत प्रेशर में है। इसके ऊपर अब जरा हम बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ मिसबा, लाहौर कलंदर्स अंडर प्रेशर, बॉलिंग लुकिंग लिटिल ऑफ स्पेशली विद हारिस रऊफ एंड शाहीन शाह अफरीदी, एंड देन ऑफकोर्स द कॉम्बिनेशंस ऑल्सो देयर, राशिद खान मिसिंग। हाउ डू दे टेक ऑन दिस गेम, बिकॉज मुल्तान के लिए ये गेम एट होम है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। एक तो ये कि 2 मैच हार चुके हैं और अगर आज का मैच दोबारा से कुछ ऐसा होता है तो दे विल बी अंडर सीवियर प्रेशर और फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये ज़रूर है कि लाहौर के पास एक चांस है, फास्ट बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, और जैसे मुल्तान की पिच खेल रही है फास्ट बॉलर्स को अच्छी खासी हेल्प मिल रही है। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको ये समझने की ज़रूरत है कि लाहौर और मुल्तान की पिच में जो डिफरेंस, वो बहुत जल्दी इनको समझना है। अच्छे एरिया में कंसिस्टेंटली बॉल करना है तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो जो एक राशिद खान का फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट हो रहा था, वो यहाँ पे वो कवर अप कर सकते हैं अपनी फास्ट बॉलिंग से। एंड देन ऑब्वियसली जो उनकी बैटिंग है उनको वो स्कोर करके दे रही है, और उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं कि जो थोड़ा सा डीप खेलेंगे, 170 प्लस अगर यहाँ पे करेंगे तो वो इतना आसान नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बार बार मैं बात कर रहा हूँ, इन कंडीशंस के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना बॉलिंग बैटिंग में, वो इम्पोर्टेंट होगा आज इनके लिए। ट्रैवल करके मुल्तान गए हैं, बहुत जल्दी से एडजस्टमेंट करनी होगी हफीज लाहौर कलंदर्स को। बट मुल्तान सुल्तान्स ने 2 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस खेलने के बाद उनका मोमेंटम तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है एंड दे आर एट होम। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी एज ए यूनिट खेलते हुए, 2 मैचेस बहुत अच्छे जीते हैं। और आज भी मुझे लगता है कि एक तो उनकी मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सेटल टीम खिलाते हैं और आप श्योर होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस भी जो है वो आपके अंदर आता है एज ए प्लेयर। लेकिन मुझे लगता है कि एक टीजिंग पॉइंट बनता जा रहा है लाहौर कलंदर के लिए विदाउट राशिद खान। मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि सम टाइम जब बहुत ज़्यादा बातें ऐसी सुनने को आती हैं तो वो टीज करता है। सो उसके बगैर भी ये अच्छी टीम है, उसके बगैर भी इन्होंने बहुत शानदार कामयाबियाँ हासिल करने के ये सलाहियत रखते हैं। आज शो करना है कि वो अडेप्टबिलिटी, जिस जो एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करती है एज ए प्लेयर, कि आप एक कंडीशन से जब दूसरी कंडीशन में जाते हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि आपके स्किल्स आपके पास होते हैं। और अच्छा प्रोफेशनल वही है जो कंडीशंस को जल्दी से जज करता है और अपने आप को उसके मुताबिक परफॉर्म करता है। सो होपिंग के लाहौर विल कम अप विद अ बेटर शो टुनाइट, और मुल्तान को उनके घर में जाके हराने वाली जो एक फतह है वो उनको मिले, वो मिले। लाहौर कलंदर्स के लिए टीजिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, उनको आपस में ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन वो ज़्यादा देंगे, वो ये चीज़ें तो जारी बात चलती हैं, क्रिटिसिज्म आता है या कोई ऐसी स्टैट्स आते हैं जिससे आपको लगता है यार शायद वही था। तो राशिद खान जैसे बॉलर हर किसी टीम के पास नहीं होते, लेकिन फिर भी वो मैचेस जीतते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ लाहौर कलंदर्स को आई थिंक ये सोच ऐसे रखनी चाहिए, और उनके पास मैच विनर्स हैं। यस देर आर सम प्लेयर्स हु नॉट इन फॉर्म, बट आज बेहतरीन मौका है उनके पास। जो कंडीशंस हैं बॉलिंग के लिए थोड़े सूटेबल हैं राधर देन लाहौर,
वहाँ पे ज़्यादा बैटिंग लंबे स्कोर हो रहे हैं, तो आज ये है कि बैट्समैन जो एवरेज टोटल है वो उनको करके दें और ये डिफेंड करें या वट एवर इधर वे। ये जरा स्टैट देख लेते हैं लाहौर कलंदर्स का, राशिद खान के साथ और राशिद खान के बगैर, आपकी स्क्रीन पे इनके विनिंग परसेंटेज के ऊपर नज़र डाल लें। जब ये राशिद खान के साथ है 28 मैचेस में से 18 जीते 10 हारे, 64.29% विन है इनकी रेशो है, और जब बगैर राशिद खान के सिर्फ 37.29%। स्टैट तो ठीक है लेकिन ये भी तो देखें ना कि उस टाइम लाहौर कलंदर्स के वो पहले सीजन भी उसमें आ रहे हैं जिसमें वैसे ही वो टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही थी। राशिद खान जब आए हैं तो उस वक्त वैसे भी टीम अच्छी थी, जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो हफीज बिल्कुल ठीक कह रहा है कि भाई उनके जो मेन बॉलर हैं जिन पर वो डिपेंड करते हैं वो शाहीन हैं, वो हारिस हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। डेविड वीजे इंजर्ड हैं, वो नहीं खेले, वो बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट करते थे, चुपके चुपके आके चार ओवर में 2-3 आउट कर जाने, बीच में कंट्रीब्यूट कर जाना, फिर आप आके नीचे से एक अच्छा जो है वो कुछ 10 बॉलों पर 20-25 रन कर जाने, वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ओवरऑल बाकी सब को स्टेप अप करना। डेविड वीजे चुपके चुपके से आके 3-4 आउट के, दैट्स ऐसे है ना, ये चुपके चुपके इसलिए है कि आप किसी ग्राउंड में आ रहे बॉलिंग करने, आप सारा आपका फोकस है शाहीन की तरफ, हारिस रोफ की तरफ, जमान की तरफ। पता चलता है डेविड वीजे ने 4 ओवरों में कुछ 30 या 28 रन दे के 2 या 3 इम्पोर्टेंट विकेट्स ले लिए हैं और ये उनकी कंट्रीब्यूशन रही हैं थ्रू आउट। जब हफीज भी खेल रहा था तो उस वक्त भी ऐसी कंट्रीब्यूशन उनकी आती थी और बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उनके। क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं आज हफीज एंड अजहर फॉर लाहौर कलंदर्स? लाहौर कलंदर के पहले तो लिंडे आई थिंक जो आए हैं वो खेलेंगे क्योंकि स्पिन में उनको प्रॉब्लम हो रही है। पिछले मैच में 3 ओवरसीज आई थिंक खेले, तो ये एक एडिशन हो गया। आई थिंक फयाज जो उनके लेग स्पिनर उनकी जगह, शायद सलमान फयाज की जगह, और इमर्जिंग उनका कौन खेल रहा है? सलमान फयाज ही खेल रहा था? नहीं, इमर्जिंग इनकी हफीज आपने शुरू में आज जो है प्री मैच में बोला कि मे बी हारिस शुड बी टोल्ड टू जस्ट रेस्ट, टेक इट इजी, थोड़ा सा अनवाइंड करें अपने दिमाग को, बाहर से थोड़ा सा गेम को असेस करें, देखें समझें। नहीं देखें, किया जा सकता है लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट उससे कैसे डिस्कशन करती है, कम्युनिकेट करती है और वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर वो ये समझता है कि वाकई मेंटली ही इज़ अंडर प्रेशर, जो कि लग रहा है उसकी बॉलिंग से, हारिस इस तरह का बॉलर नहीं है जैसे उससे बॉलिंग हो रही है लगातार, तो मुझे लगता है कि अगर उसको ब्रेक दी जाए ये उसके लिए भी विन विन सिचुएशन है और फ्रेंचाइज के लिए भी, क्योंकि उसकी जगह जो आएगा वो एक फेलियर का जो एक बैगेज आप लेके आते हैं वो उसके सर पर नहीं होगा। He can go out and express himself. और with the same time इसके लिए ये होगा हारिस के लिए कि ये 2-3 मैच, एक मैच से नहीं होगा, ये 2-3 मैच उसको कुछ 4-5 दिन हफ्ते का जो उसका रेस्ट मिले ताकि वो रिफ्रेश करे अपने आप को, दोबारा वापस आए। Right on. They have the option also. एक इन फॉर्म बॉलर है, अगर उसको ट्राई आउट कर सकते हैं, बट लेफ्ट हैंडर्स पहले ही बहुत हैं इनके, सो शायद ये उनके माइंड में हो कि इमरान भी लेफ्ट हैंडर है तो शाहीन ऑलरेडी है, जहादाद हैं। All right, with that, it's time for Pitch Report, brought to you by Ufone 4G. Hafiz, bat first in Multan. Interesting. और कह रहे हैं कि टू पेस टाइप की पिच है, तो जो उनकी रिपोर्ट से समझ में आई है कि कभी आती कभी नहीं आती बॉल। जो मुल्तान के अंदर हमने अभी तक दोनों मैचेस देखे हैं वहाँ पे यही मंत्र आ रहा है कि वैसे भी क्योंकि वहाँ की मिट्टी के अंदर इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, बॉल थोड़ा स्किड करता है, लो रहता है, स्पिनर का गेंद भी थोड़ा स्लो आता है, तो इसलिए जो टाइमिंग होती है हिट थ्रू द लाइन वो आपको थोड़ा मुश्किल होता है, ग्राफ्ट इनिंग्स खेलनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि अगर इस पिच के ऊपर भी आप रन ऑन द बोर्ड लगाएं, राइट एरिया हिट करें, बाद में 170-165 to 170 रन शुड बी द पार रन हेयर, अगर आप 165 और 70 करते हैं तो दूसरी टीम अटैक करने जाती है जहां पे वो लूज़ करती है विकेट। तो मुझे लगता है अगर जो भी बैटिंग पहले करता है वो 165 टू या 170 के पास अगर रन करता है तो अपनी बॉलिंग को राइट एरिया में बॉलिंग करना भी ज़रूरी है, और एज़ इम्पॉर्टेंट ऑलवेज यू हैव टू ग्रैब योर चांसेज। अगर आप अपने कैचेज छोड़ते हैं जो चांसेज आपको मिलते हैं, अगर आप वो नहीं पिक करते तो आप 200 भी कर लें आप नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। मिसबा एक चीज़ उन्होंने कहा, उन्होंने कहा पहले बैट फर्स्ट है, बट उन्होंने ड्यू का भी जिक्र किया कि ड्यू भी आ जाती है मुल्तान में अगर मौसम इस नौयत का हो, तो हाउ डज दैट वर्क? आई मीन इफ यू डू पुट अप अ पावर स्कोर एज हफीज इज सेइंग 180 पहले बैटिंग करके और ड्यू आ जाए और बॉल ग्रिप ना हो तो दूसरी साइड के लिए तो आसान नहीं हो जाएगा चेस करना? स्लाइटली एक डिसएडवांटेज तो हो जाता है बाद की बॉलिंग का, बट जो पिच है अभी पिछला मैच भी हमने देखा है, स्लाइटली ड्यू के बावजूद
कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं बॉलिंग साइड को, तो आई थिंक एट द एंड चाहे आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं बाद में कर रहे हैं, जो चीज़ मैटर करती है कि आप उस कंडीशन को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, आपको अच्छा खेलना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको. ये सिर्फ ये डिटरमिन नहीं करेगा कि हाँ जी पहले बैटिंग कर ली तो हम जीत गए हैं या पहले बॉलिंग कर ली तो जीत, नहीं, आपको ये चीज़ें ठीक करनी है, सही लेंथ सेट करनी है. और फिर बैटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है, यहाँ पहले 10 ओवर आपको जाके थोड़ा सा पिच पे टाइम गुजारना है. सेट बैटर्स एक जाएगा थ्रू द इनिंग्स पूरा खेलेगा तभी वो जीतेगा, जो मुल्तान ने दोनों मैचों में किया. रिजा हेनरिक्स जो है वो बिल्कुल उस रोल को पूरी तरीके से ले के चल रहे हैं, निभा रहे हैं. अदरवाइज आप विकटें गिरती रहेंगे ना, तो कोई भी नया जब आएगा उसके लिए बहुत मुश्किल है, दोबारा सेट होने में टाइम लगेगा. मुल्तान सुल्तान्स के स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं अजहर, व्हाट डू यू थिंक, एनी चेंजेस दे विल अप्लाई? हालांकि दो विनिंग उनके पास, मतलब दो मैचेस जीते हुए हैं, डू दे ट्राई के यार अच्छा हमने दो मैचेस जीते हुए हैं, हम टॉप ऑफ द टेबल हैं, शायद हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट कर लें? आई थिंक एक ही जो मिसबा मैंने बात की, यासिर खान एक ऐसी जगह पे हैं जो उनके लिए फेमिलियर नहीं होती, वो स्ट्रगल करते हैं स्पिनर के अगेंस्ट, बट उन्होंने भी एक इनिंग खेली है. मेरा ख्याल है जहाँ तक चेंज करेंगे नहीं ये, अनलेस के इनका कुछ स्टैटिस्टिकली कोई चीज़ इनके सामने आई हो. ऑली स्टोन इंजर हो गए थे ना पिछले मैच में, धानी नहीं, इवन लास्ट टाइम तो ये था कि वो आ गए हैं इनके जॉर्डन, क्रिस जॉर्डन माइट बी इन फॉर हिम, सो और ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी. एक तो ऑलराउंडर हैं वो, फील्डर जिस किस्म के हैं जो बॉलिंग करते हैं, फिर बैटिंग में भी उनके एडवांटेज है. I think that will even strengthen their team. Yeah, Chris Jordan makes a huge impact. Yeah. He's an impact player straight away. And death overs mein badi zabardast bowling karte hain. Batting bahut achhi karte hain. Wo dono aur fielder wo aise hi hai ki ek side puri cover karne wale. Ye squad hai jo Multan ke paas available hai, jisme se apni playing 11 de sakte hain. Shahnawaz Dhani ko ek match ke baad bitha diya gaya tha, which is surprising for us because unhone first class mein badi zabardast performance ki abhi recently. And last match mein bhi unhone 30 run diye the. I mean, I think that was a little unfair misma. Sometime it happens. I mean, if आपके जो बाकी बॉलर हैं और अच्छे बॉलर हैं और वो अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है. अदरवाइज मेरे ख्याल में टॉप परफॉर्मर रहे हैं इनकी तरफ से, मुल्तान की विक्ट्रीज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. हार्ड डन, कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, बट ही विल बी वेटिंग फॉर हिज अपॉर्चुनिटी. और काफ़ी कंडीशन हुए हैं इस सीज़न में, होपफुली जब भी चांस मिलेगा अच्छा परफॉर्म करें. डेविड मिलान पिछले मैच में ऑफकोर्स बड़े जल्दी डिसमिस हो गए थे हफीज, ही मस्ट बी लुकिंग नाउ, बट हैज द पीएसएल बॉलिंग ग्रुप काइंड ऑफ फिगर्ड आउट वेयर डेविड मिलान गेट्स स्टक इन द बिगिनिंग? आई थिंक अगर उनको उस बॉल पे जिस पे वो आउट हुए अगर आप देखें तो वो एक क्वालिटी बॉलिंग थी फ्रॉम नसीम शाह, ब्रिंगिंग इन टू द बैट्समैन फ्रॉम द राइट एरिया. तो कोई भी बैट्समैन मिस कर सकता है, ही इज़ अ लवली प्लेयर, जब भी खेलता बहुत शानदार खेलता है. T20 के नंबर वन स्लॉट के ऊपर भी बड़ी देर तक वो रहे हैं, तो ही इज़ अ वंडरफुल परफॉर्मर. और आई थिंक एक आउट ऐसे होने से आपका कोई कॉन्फिडेंस शैटर्ड नहीं होता. लेकिन यस दूसरी टीमों को एक वो हिंट मिल गया कि इफ यू ब्रिंग द बॉल इनटू हिम यू कैन चैलेंज हिज टेक्निक. या एंड गोइंग अराउंड द विकेट कुड बी समथिंग दैट बॉलर्स कैन एक्सप्लोर अगेंस्ट डेविड मिलान. और ये मोहम्मद अली के लिए ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी ये किया हुआ है, तो व्हाई नॉट कि वो स्ट्रेट अवे अगर आते हैं तो यू नेवर नो ही कैन हिट दैट एरिया अगेन. आई थिंक मिलान जिस तरीके से खेलते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंज होगा, स्पेशली शाहीन को हमेशा जब भी वो खेलते हैं अर्ली ऑन बाहर निकलता गेंद तो वो ड्राइव मारते हैं उस बॉल को, तो दोनों तरफ अंदर आए या बाहर दोनों तरफ अर्ली ऑन चैलेंज, जो भी खुला खेलने वाला प्लेयर होता है इस तरीके से अगर गेंद स्विंग हो रहा है तो अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑलवेज देयर, आपको चांस लेना है एज ए बैट्समैन. तो शाहीन के पास एक अच्छा चांस होगा अर्ली ऑन, वो स्ट्राइक कर सकते हैं, बट जमान का अंदर आता हुआ गेंद, वो जो गेंद स्पेशली मैं कहता हूँ ओवर द स्टंप जब आप गेंद करते हैं सिर्फ वही बॉलर करे जो राइट हैंडर जो क्लोज द स्टंप करता है और जिसका आगे से गेंद अंदर आता है, जैसे वकार भाई करते थे, जयसूर्य को अक्सर आउट करते थे, तो वो जमान कर सकता है वो चीज़ बिल्कुल. All right, we're going to take you now to the Multan Stadium where both the captains are ready with the coin for a toss, brought to you by Nestle Fruta Vital. Well, thank you, Daniel, for that toss. Fantastic stuff. Lau Kalandas winning the toss and electing to bat first. And ye Lahore Kalandar ka squad aa gaya hai, ek change hui hai. Ji, Afiz.
जी राइट चेंज है क्योंकि लिंडे कैन ऐड दैट वैल्यू एज ए ऑलराउंडर, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, इस पिच के ऊपर यूजफुल होंगे। आई वुड लाइक टू सी फखर डूइंग वेल एट टॉप ऑफ द ऑर्डर। बाकी इनकी जो टीम है उसमें रन ऑन द बोर्ड लगाने के लिए फखर का ऊपर से फायर पावर रिक्वायर्ड है, जो अगर वो आज करते हैं तो दे कैन मेक इट। या दैट्स हाउ इट इज, इट्स लुकिंग दैट वन चेंज इज देयर वेरी विजिबल, बट सरप्राइजिंगली फॉर मुल्तान सुल्तान्स इनका स्क्वाड भी अब ये प्लेइंग 11 लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऐसा हो चुके लाइव आ रही है हमारे पास फीड से, एंड हियर यू गो मुल्तान सुल्तान्स, देयर इज दैट वन चेंज, शाहनवाज धानी इज बैक इन, नो क्रिस जॉर्डन, मिसबा। जी बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा था कि प्रीवियस परफॉर्मेंसेस बहुत हैं, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि क्रिस जॉर्डन भी जाहिर है बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, बट रेस्ट ऑफ द टीम दे आर इन गुड फॉर्म एंड ऑब्वियसली लुकिंग फॉरवर्ड। दो जीत बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं आपके कॉन्फिडेंस में, तो होपिंग फॉर अ गुड गेम। कोई मैचअप तो नहीं है किसी वजह से शाहनवाज धानी को लेकर आए कि लाहौर कलंदर से कोई बैट्समैन है जिनके खिलाफ कोई उनकी कोई है सेट, डू यू हैव एनीथिंग लाइक दैट? नहीं कोई ऐसी चीज, वी डोंट नो दैट। ऑलराइट, विद दैट इट्स टाइम फॉर द एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस ब्रॉट टू यू बाय पामोलिव शैम्पू। ऑलराइट मिसबा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल इधर कोई टीम मुश्किल के नाम से नहीं खेल रही, क्या कलंदर से या सुल्तान से, जल्दी बताइए। कलंदर्स। ऑलराइट, एंड फॉर यू हफीज? जी लाहौर के अंदर, बिकॉज द बैटिंग फर्स्ट। कलंदर्स, एंड फॉर यू? थ्री इन थ्री लाहौर कलंदर्स। थ्री कलंदर्स, ऑल राइट, एंड दोज आर योर एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस ब्रॉट टू यू बाय पामोलिव शैम्पू। राइट दोस्तों, आपके सामने सूरत हाल, लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। एक्सपर्ट्स का कहना यह है, तीनों एक्सपर्ट्स का कहना यह कि कलंदर्स जो है वो डेफिनेटली जो है इस वक्त फेवरेट्स उनको वादे तौर पर नजर आ रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के लिए कितने भी रिस्ट्रिक्ट करना फायदे में रहेगा मिसबा, जितने कम में या कोई एक होगा उनके दिमाग में कि 140 150 इज इजीली डूएबल हियर? कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम 160 से नीचे नीचे हो, क्योंकि उससे ऊपर 170 क्रॉस इस पिच पे नजर आ रहा है कि वो डिफिकल्ट है, इट बिकम्स डिफिकल्ट। कल खेलिए तो 150 टोटल भी अगर आप बॉलिंग अच्छी करो तो उस पर आप फंस सकते हो, और आपने देखा इतनी बॉलिंग लैप्सेस फील्डिंग लैप्सेस के बावजूद जो है वो ऑलमोस्ट जो है मुल्तान सुल्तान वो मैच हार चली। फील्डिंग लैप्सेस से हफीज ज्यादा है, कप्तान ने क्या बोला होगा अपने फील्डर्स को, क्योंकि वो कुछ दिन ने दो कैचेस छोड़े थे पिछली दफ़ा। नहीं कुछ नहीं, आप फिर भी बैक करते हैं आप उनको, किसी को उसकी सजा नहीं मिलती, लेकिन देखें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज ए बैट्समैन एज ए बॉलर। यू कैन हैव अ बैड डे एंड दैट कैन ओनली डैमेज योर कॉन्फिडेंस, लेकिन जब एज ए फील्डर आप बुरा दिन होता है आपका तो पूरा टीम को कॉज करते हैं। तो रिमेंबर एज ए फील्डर आप पूरी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और आपका एक कैच पूरी टीम को हरवा सकता है। ऑलराइट फोक्स, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द पवेलियन, वी आर नाउ कटिंग अक्रॉस द मुल्तान वेयर द गेम विल बी स्टार्टिंग शॉर्टली। वी विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द गेम, स्टे विद अस ऑन ए स्पोर्ट्स।